नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। तो मैं आपको हेल्दी फूड रेसिपीज में आज बना के दिखाने वाली हूँ। ये मेरी ब्रोकली, मशरूम, मटर और कॉर्न्स की एक बढ़िया सब्जी, कलरफुल एंड डिलिशियस एंड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। तो बस इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो मैंने बारीक प्याज काट ली है, जैसा आप देख रहे हैं, और मेरे पास है ये टमाटर कटा हुआ, और इसमें मैं डालूंगी थोड़े से ये मशरूम, और मैं डालूंगी ब्रोकली। ये सारे ही चीजें आपको पता है बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बच्चों को आप ये खिला सकते हैं, अपने टिफिन में ये दे सकते हैं। और ये मैंने छोटे छोटे ब्रोकली के फ्लोरेट्स को भी काट लिया है। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ी सी ये प्याज, और प्याज डालने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा हींग, और बस इसको हम सॉटे करते हैं। अब डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा ये जीरा, और इसको हमें बहुत अच्छे से भूनना है। और इसी के अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। मसाला इसमें हम बहुत हल्का रखते हैं, क्योंकि ये स्टर फ्राई है, ब्रोकली मशरूम स्टर फ्राई। तो बस मिलते हैं थोड़ा सा प्याज का गोल्डन होने के। अब देखिए, इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, और आपको पता है जब हम टमाटर डालते हैं तो हमको नमक डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये प्रोसेस टमाटर के गलने में हेल्प करता है। और साथ में मैं डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, और बस हम टमाटर को थोड़ा सा सौते करेंगे। बाकी ये वेजी डालेंगे, ये टमाटर बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपका ये मसाला हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है तरीका। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर ब्रोकली, और मैं डालूंगी ये मशरूम, और साथ में मटर और कॉर्न। अब देखिए ये सारी स्टर फ्राई हो रही हैं वेजी हमारी। तो इस टाइम पे मैं डाल दूंगी ये धनिया पत्ती, और मशरूम का नेचुरल वाटर छूटेगा, और फ्रोजन मटर है और फ्रोजन कॉर्न्स हैं, तो हमें कुछ भी गलाना नहीं है। बस सिम पे रख के इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, और आपकी बढ़िया सब्जी हो जाएगी तैयार। ये देखिए, बढ़िया मशरूम मटर कॉर्न की सब्जी हो गई हमारी तैयार विथ ब्रोकली, और अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे। ये आप बनाइए अपने लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, एंड इट्स अ होल मील। अगर आप डाइट कोर्स में हैं तो अगर आप एक बोल भर के ये खा लेंगे तो आई थिंक आपको और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी स्मूदी के साथ आप इसको खाइए और अपना डाइट का हिस्सा बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लव सच हेल्दी रेसिपीज़।